शरद पूर्णिमा के अवसर पर चमत्कारी खीर का सेवन करने से दमा, खांसी, अस्थमा, पुरानी एलर्जी की बीमारी से निजात मिलती है। हमीरपुर के लम्बलू से शरद पूर्णिमा की रात को तैयार खीर में मिली निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाई खाने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक शर्मा ने बताया कि शरद पूर्णिमा की रात को खीर रात भर चांद की रोशनी में रखी जाती है और दूसरे दिन सुबह से ही खीर में दवाई मिलाकर मरीजों को खिलाई जाती है। उन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से दवाई मरीजों को दी जा रही है और इसे खाने से काफी हद तक स्वास्थ्य लाभ मिलता है। शरद पूर्णिमा के अवसर पर चमत्कारी खीर का सेवन करने से दमा, खांसी, अस्थमा, पुरानी एलर्जी की बीमारी से निजात मिलती है। हमीरपुर के लम्बलू में शरद पूर्णिमा की रात को तैयार खीर में मिली निशुल्क आयुर्वेदिक दवाई खाने के लिए साल भर लोग इंतजार करते हैं। गौरतलब है कि पिछले 20 सालों से इस तरह शरद पूर्णिमा के बाद दमा, खांसी, एलर्जी के मरीजों को दवाई निशुल्क खिलाई जाती है और इस दवाई का सेवन करने के तुरंत बाद लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि हर साल शरद पूर्णिमा के अगले दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज पहुंचते हैं। माना जाता है कि दमा रोगियों के लिए तो ये खीर रामबाण का काम करती है, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन बनाई गई खीर का अपना महत्व है और खीर को बनाकर पूरी रात भर चांद की रोशनी में रखा जाता है और जो औस इस खीर पर आकर पड़ती है वह काफी लाभकारी मानी जाती है। बाद में खीर में जड़ी बूटियों से बनाई गई औषधि दवाई मिलाई जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर त्रिलोक शर्मा ने बताया कि गत 20 वर्षों की तरह इस बार भी शरद पूर्णिमा के अवसर पर हमारे निवास स्थान लम्बलू जिला हमीरपुर कांगड़ा बैंक के पास 14 अक्टूबर को दमा रोगियों को खीर में मिलाकर ये दवा दी जाएगी। जिनको बार बार जुकाम, खांसी हो जाती है वे भी इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। दवा सुबह 7 से 11 बजे तक निशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कृपया रोगी खाली पेट आएं। उन्होंने कहा कि ज्यादातर मरीजों को इसका लाभ पहुँचा है। इस वर्ष पूर्णिमा 13 अक्टूबर को है और जो दवाई खिलाई जाएगी वो 14 अक्टूबर सोमवार सुबह खिलाई जाएगी और ये दवाई जो है वो लम्बलू में कांगड़ा बैंक के सामने हमारा घर है, डॉक्टर त्रिलोक शर्मा मेरा नाम है, वहाँ पे खिलाई जाएगी। ये दवाई है, इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग 2-3 महीने पहले शुरू हो जाती है और ये आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं इसको बनाया जाता है इसमें, और इस दवाई को हम फिर जो हम खीर बनाएंगे उसको पूरी रात चंद्रमा की रात में रखेंगे और सुबह इस जो खीर में है उसमें ये दवाई मिला के मरीजों को देंगे। और मेरा मरीजों से अनुरोध रहेगा कि वे खाली पेट आएँ और सुबह 7 से 11 बजे तक ही ये दवाई दी। ये जिनको अस्थमा हो, ये दमा हो जिसे हम दमा कहते हैं, या बार बार जिनको खांसी हो, जुकाम हो, एलर्जी कफ हो, उनके लिए ये बहुत ही उपयोगी पाई जाएगी। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी इसके लिए, सबके लिए ये दवाई बहुत ही उपयोगी होती है और साल में एक बार दी जाती है। और इससे पहले हम 20 वर्षों से इस दवाई को दे रहे हैं और लगभग 60% रोगी जो है इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।